फ्रेम रखी गई है जो कि रेलवे क्रॉसिंग के ठीक ऊपर इसको इंस्टॉल किया जाएगा, बनाया जाएगा, जैसा कि हर जगह आपने देखा होगा। और बीच में क्रॉसिंग है दर्शन नगर रेलवे स्टेशन, ये जो है अभी एंडिंग हम दिखाते हैं कहाँ पे की गई है। थोड़ा सा पहले ही की गई क्योंकि 14 कोसी पिकाव मार्ग भी चौड़ीकरण उसका भी होने वाला है, तो पूरा नाप के जो है फाइनल यहाँ तक किया गया है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब, स्वागत है फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो इसी क्रम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये सामने हमारे एक फ्लाईओवर बन रहा है 14 कोसी पिकावा मार्ग पे। जैसे आवागमन काफ़ी ज़्यादा रेलवे क्रॉसिंग की वजह से काफ़ी लेट होता था 14 कोसी पिकावा करने में, और भी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा लेट होती, तो इसी को देखते हुए ये जो है फ्लाईओवर का निर्माण का इधर के साइड किया गया है, जो कि बिल्कुल सूर्यकुंड के ठीक जो है एकदम बगल में ही है। दिखाते हैं आपको अगल बगल चीज़ें क्या चीज़ कैसे है। तो दोस्तों ये है 14 कोसी पिकावा जो कि अंबेडकर नगर वाले मार्ग पे, जो अंबेडकर नगर तो अयोध्या वाला मार्ग है, आगे जिधर से फ्रंट सूर्यकुंड का पड़ता है, ये है सूर्यकुंड जहाँ पे सूर्य देवता जी विराजमान हैं, उनकी मंदिर है और प्रभु श्री राम जी के कुल देवता भी हैं। और ठीक इसके बगल से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जा रहा है, बिल्कुल 14 कोसी पिकावा मार्ग के एकदम ये बगल से, क्योंकि आने वाले समय में जो है अभी इधर से क्रॉसिंग जिसको पता है वो जानता है, अगर जब बंद हो जाती तो काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती थी, तो अब ऐसा भविष्य में नहीं होगा, अब ये इसी वजह से फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। तो चलते हैं थोड़ा सा ऊपर के साइड पहले दिखाते हैं, फिर हम आपको नीचे के साइड दिखाएंगे। उससे पहले जो है हम आपको यहाँ पर बोर्ड पर दिखाते हैं कि इसकी फ्लाईओवर की कॉस्टिंग और ये सब क्या यहाँ पर दर्शाया गया है। और इसी के साथ साथ आप ये डक्ट देख सकते हैं, छोटा सा है, मतलब और जगह के अकॉर्डिंग का कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे ये देखिए कुछ ब्यूलर दिया गया है, आप वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा। जनपद अयोध्या में 14 कोसी पिकावा मार्ग पर सूर्यकुंड स्थित रेलवे क्रॉसिंग संख्या 105 पर रूल रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण कार्य के बारे में, मतलब परियोजना का नाम है योजना राज्य योजना सामान्य। तो चलिए चलते हैं इस फ्लाईओवर के ऊपर देखते हैं, आइए चलते हैं यहाँ से ऊपर। ये फ्लाईओवर जो है लगभग 2 लेन का है, 2-3 गाड़ियाँ आराम से आ जा सकेंगी, ओवरटेक वगैरह कर सकते हैं, और बहुत ज़रूरी हो तो वैसे ओवरटेक करना बहुत ही गलत बात। और यहाँ पे ये पावर हाउस है जो कि रेलवे की ओर से ये है, ट्रेनों के आवागमन के लिए यहाँ से विद्युत जाता है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं, यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे दिखाते हैं। और यहाँ पे जो है दोस्तों जो है जनरेटर लगा हुआ है जिससे कि विद्युत सप्लाई जो है लास्ट पॉइंट तक यूज़ की जा रही है। यहाँ से देखिए जो है लोहे की फ्रेम भी आके रखी जा चुकी है जो कि क्रॉसिंग के ऊपर रहेगी। यहाँ से तो वो अम्बेडकर नगर वाली रोड जो है दिख रही है दूर, आइए चलें और थोड़ा सा आगे। यहाँ से पुल जो है राइट साइड पे काफ़ी ज़्यादा टर्न है, इधर देखते हैं नीचे के साइड। नीचे वहाँ तक तो रोड बनी हुई है, अभी नीचे का भी आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है एक चीज़ और आपको बताएं, ये जो पाइप है ये बीच में देखिए पिलर जो रेलिंग्स होती है इसके बीच में पाइप दिख रही है आपको, ये इसके अंदर वायर रहता है, मतलब वायर रहेगा और फिर उसी के कनेक्शन के थ्रू जो है ऊपर वो जो स्ट्रीट लाइट लगेंगी उसी में ये कनेक्शन के लिए ये ऐसे किया गया है। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं। यहाँ पे हम आ चुके हैं एकदम इस साइड की ओर जो लास्ट पॉइंट पे, यहाँ तक निर्माण कार्य आप देख सकते हैं लेटेस्ट कितना हुआ है। बहुत ही जल्दी इस फ्लाईओवर का नया रूप हम सबको देखने को मिलेगा और बहुत ही जल्दी यूज़ भी होने लगेगा। यहाँ से थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, देखिए जो है फ्रेम रखी गई है जो कि रेलवे क्रॉसिंग के ठीक ऊपर इसको इंस्टॉल किया जाएगा, बनाया जाएगा, जैसा कि हर जगह आपने देखा होगा। और बीच में क्रॉसिंग है दर्शन नगर रेलवे स्टेशन ये है, तो ऐसा कुछ इधर का माहौल हुआ है आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं नीचे और नीचे की चीज़ें अब आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों हम जो है फ्लाईओवर के नीचे आ गए हैं, अब इधर नीचे की स्थिति आप देख सकते हैं क्या हुई है, जो कि ये भी फ्लाईओवर के बीचों बीच जो है ग्रीनरी वगैरह रहेगी। और इंटर ये वाला ईंट देख सकते हैं आप ला के रखा गया है जो कि साइड में लगे उस पार लग चुका है। नीचे की रोड जो है दोनों ही साइड बन चुकी है, काफी चीजें मतलब अपडेट है।
अब इधर रुकते हैं तो आपको यहाँ से थोड़ा सा दिखाते हैं। दोस्तों देखिए नीचे से जो है फ्लाईओवर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। आप देखिए पानी निकासी के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। पुल पे अगर पानी आएगा तो ऐसे पाइप के थ्रू इस चैम्बर में, चैम्बर से फिर जो है पानी इधर के साइड मतलब डक्ट में आएगा बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। एक चीज़ नहीं समझ में आया, ये जो डक्ट बना हुआ है बीच में थोड़ा सा पाइप और नीचे रहता तो सही रहता, या हो सकता है पाइप जो है इसी में डायरेक्ट कनेक्ट ही कर देंगे तो चैम्बर का काम ही नहीं रहेगा। ये वाली ईंट जो है साइड में ऐसे लगेंगे, उस पार जो है वहाँ तक लग चुके हैं उस पॉइंट तक, और ओपन हमने आपको दिखाया ही किस प्रकार से कितना काम हुआ है। तो आइए दोस्तों आप जो है हम चलते हैं, इधर से चलेंगे पावर हाउस के ठीक बगल से, वहाँ पे चीज़ों को दिखाएंगे क्रॉसिंग के पास, फिर उस पार का सीन आपको दिखाएंगे। तो इधर का आपने देख लिया मतलब कितना निर्माण कार्य हुआ है। आप देखिए दोस्तों जो है हम इस साइड की ओर चले हैं, यहाँ से रेलवे स्टेशन साफ साफ आपको नज़र आ रहा होगा। ये है क्रॉसिंग, काफ़ी टाइम लगती है, अब बंद भी हो रही है, खुलने में काफ़ी टाइम लगती है। और इधर से आप देख सकते हैं अभी हम ठीक ऊपर थे, अब नीचे के साइड आए हैं। इधर से आप देख सकते हैं ये पिलर एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ पर बनेगा, फिर इसके बाद फ्रेम रखी जाएगी। तो बिल्कुल जो है निर्माण कार्य इधर भी अपने आखिरी गति में है और क्रॉसिंग बंद हो चुकी है। निकलते हैं इस पार, अब देखिए ये सामने इधर से बिल्कुल क्रॉसिंग के पास से कई सारी यहाँ पे अब लाइनें हो चुकी हैं, डबल लाइन का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। सामने दर्शन नगर रेलवे स्टेशन, 14 कोसी पे कमार, इधर से राइट साइड की ओर, इस साइड की ओर देखिए ये, आप इधर से ठीक उस साइड की ओर जाएगा, एक पिलर और बीच में बनेगा। यहाँ पे जो बोर्ड पे दर्शाया गया था एकदम धूल मिट्टी जम के पता ही नहीं चल रहा है क्या चीज़ कैसे हो चुका है। आप देखिए इधर, अब बीच में जो है एक यहाँ पे मुझे लग रहा है और बनेगा। तो इधर के साइड देखिए अब ऊपर से बनते हुए इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर से उस साइड की ओर। आप देखिए दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जैसे इधर भी ये फ्रेम ही रहेगी, अगर फ्रेम नहीं रहती तो इधर कोई और आकार का पिलर रहता, जैसा कि पतला पतला दो टुकड़ा खड़ा करके फिर चौड़ा सा जैसे पीछे के टाइप वाला है, इधर फ्रेम रहेगी, इसके बाद उधर के साइड भी फ्रेम लगा के काफ़ी लंबा सा भविष्य में, क्योंकि हर रोड जो है चौड़ीकरण में आने वाली है, तो इसी को देखते हुए बीच में पिलर नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट इसको ऐसे लगा दिया जाएगा फ्रेम, और इधर से फिर उस पार की ओर। तो आइए चलते हैं आगे, इधर से देखते हैं दिखाते हैं आपको। इधर तो बिल्कुल ही जो है पत्थर रखे गए हैं कि बाइक भी उस पार ले जाने में मुश्किल हो, मगर उधर से निकल गई है बाइक हमारी। ये देखिए इतने पतले डक्ट, 1, 2, 3, 3 फीट के ये डक्ट हैं, गहराई ज़्यादा है। तो इधर के साइड की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है, और ठीक जाके फिर से 14 कोसी पिकाओ मार पे ये वाला फ्लाईओवर घूम चुका है। इसको सी आकार बोल सकते हैं, फ्लाईओवर बिल्कुल सी आकार में बना हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। अगल बगल खेत की हरियाली और ये सारी चीज़ें, और बीच में फ्लाईओवर भी गया हुआ है। देखिए यहाँ भी सेम ऐसे ही ये चैम्बर बना हुआ है, और पाइप निकले ये वाला पानी जो है इस साइड की ओर से फिर जिधर भी जाना होगा वो चला जाएगा। चलिए चलते हैं आगे उधर। देखिए दोस्तों यहाँ से इसके एंडिंग पॉइंट है मतलब ढलान है इस वाले फ्लाईओवर का। कई सारे मतलब फ्लाईओवर अयोध्या में, मुझे लग रहा है कि 6 फ्लाईओवर एक ही साथ काम हो रहा है, अभी भी काम बचा ही हुआ है। देखिए ये फिनिशिंग देने में लगा हुआ है भाई, इधर के साइड वो देखिए सामने रोड, क्योंकि यहाँ से आपको दिखाते हैं। और इधर के साइड भी देख सकते हैं दोस्तों वहाँ पे दूर जो है फिनिशिंग का काम चल रहा है, और रोड वगैरह इधर भी नहीं अभी बनी हुई है, गिट्टी डाली गई है उधर, मतलब उधर के साइड गिट्टी नहीं पड़ी थी, इधर के साइड जो है गिट्टी पड़ी हुई है। अब बीच वाला काम जो है सबसे टफ और सबसे लेट वाला काम होता है, तो वही काम अब मुझे लग रहा है बचा हुआ है। ये 15 फीट कम से कम मुझे लग रहा है ये साइड में, दोनों ही साइड, और बीच में 2 लेन,
जो सेम जैसे उधर के साइड है बिल्कुल ऐसे इधर तक है। ये फ्लाईओवर बन जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी आवागमन में। अब चाहे रेलवे क्रॉसिंग चाहे जितनी भी देर बंद रहे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इधर से थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ से वो उधर दर्शन नगर रेलवे स्टेशन, वो सामने 14 कोसी पिकावा मार्ग। अब इधर देखिए दोस्तों जो है इधर जो 14 कोसी पिकावा मार्ग पे आके ये फ्लाईओवर फिर से मिला हुआ है, वहाँ सूर्यकुंड के पास से स्टार्टिंग है और आके इधर के साइड एंडिंग है। और जो है अभी एंडिंग हम दिखाते हैं कहाँ पे की गई है, थोड़ा सा पहले की गई क्योंकि 14 कोसी पिकावा मार्ग भी चौड़ीकरण उसका भी होने वाला है, तो पूरा नाप के जो है फाइनल यहाँ तक किया गया है। ये देखिए बैरिकेटिंग यहाँ रखी गई है। अब यहाँ पे जो है 14 कोसी का डक्ट रहेगा इस पॉइंट पे कहीं पे, और फिर रोड रहेगी, उसके बाद जो है फिर से आवागमन इधर वाले फ्लाईओवर से मतलब इधर के साइड हो जाएगा। अब नया घाट देखिए यहाँ पे दर्शाया गया 8 किलोमीटर, और इधर के साइड अचारी के सगरा होते हैं जनौरा, ये वाली थोड़ी सी रोड आपको दिखाते हैं। चौदह कोसी पे 42 किलोमीटर लगभग ये लंबा है। तो ऐसा कुछ था ये अपडेट इस वाले फ्लाईओवर का। फिर मिलते हैं आपको किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, ध्यान रखिएगा अपना।